हेलो गाइस, क्या आप अपना एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं? तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है, ब्लॉगर या वर्डप्रेस। आज हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन, क्लासिफिकेशंस, फीचर्स और किसमें ज़्यादा टूल्स मिलेंगे, कौन सा अच्छा होगा, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें ब्लॉगर की तो जैसे गूगल कंपनी ने बनाया है, और वर्डप्रेस की बात करें तो इसे तो wordpress.org ने बनाया है। और ब्लॉगर ज़्यादा ब्लॉगर में फीचर्स बहुत ही आपको कम मिलते हैं, और वर्डप्रेस में डेली के डेली अपडेट आया करते हैं। बात करें इन दोनों के कंट्रोल की तो जिसमें ब्लॉगर में आपको कम कंट्रोल मिलते हैं, आपको कुछ सेलेक्टेड की चीज़ें मिलती हैं आपको यूज़ कर सकते हैं, उसी में आपको काम चलाना पड़ता है, आपको कुछ सेलेक्टेड थीम्स ही मिलती हैं। और बात करें वर्डप्रेस में तो आपको उसमें बहुत सारी प्रीमियम फ्री थीम्स मिलती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव थीम मिलती है, बहुत ही अमेजिंग थीम्स मिलते हैं और अमेजिंग प्लगइन्स मिलते हैं। आप वहाँ पे बहुत ही चीज़ें एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। और बात करें इन दोनों की सिक्योरिटी की तो ब्लॉगर में ज़्यादा सिक्योरिटी क्योंकि वो गूगल कंपनी का, गूगल इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप को गूगल पर ज़्यादा विश्वास होगा, गूगल की सिक्योरिटी ज़्यादा है। वैसे वर्डप्रेस भी कोई कम नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस में हम लोग एक्सटर्नल चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारे वेबसाइट में वायरस आने का खतरा हो सकता है। वो जो आप उसमें लिमिटेड चीज़ें यूज़ करें, और जो कोई एक्सटर्नल चीज़ ना यूज़ करें, कोई बाहर के प्लगइन वेबसाइट से, थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड किए हुए ना यूज़ करें, तो आप वर्डप्रेस पे भी सिक्योर रह सकते हैं। तो इस मामले में दोनों चीज़ें ठीक हैं, वर्डप्रेस भी ठीक है, ब्लॉगर भी, दोनों ही सिक्योर हैं। और हम बात करें इसके लुक्स की तो ब्लॉगर में आपको कम ही लुक मिलते हैं क्योंकि उसमें आपको थीम्स कम मिलती है, तो आपको उसमें लुक्स भी बहुत कम मिलते हैं। वर्डप्रेस में आपको बहुत ही ज़्यादा थीम्स मिलती हैं, प्लगइन्स मिलते हैं, आप प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव, अमेजिंग बना सकते हैं, तो आपको वहाँ पर लुक अच्छा देखने को मिल जाता है वर्डप्रेस की साइट में। और ब्लॉगर में आपको एक सिंपल सी वेबसाइट मिलती है, वहाँ पर ही आप अपने काम चलाओ काम चलाइए। तो लुक्स के मामले में भी वर्डप्रेस आगे है, ब्लॉगर जो है ब्लॉगर अपडेट भी बहुत कम देता है, इसीलिए वो ब्लॉगर जो है वो पीछे रह गया वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस बहुत आगे है लुक के मामले में भी कि वहाँ पे प्लगइन्स अच्छे सारे मिल जाते हैं। बात करें इन दोनों की सिक्योरिटी की तो इसमें ब्लॉगर में ज़्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि वहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, वही आप यूज़ कर सकते हैं, आपको उसी में काम चलाना पड़ता है। और वर्डप्रेस की बात करें तो आप वहाँ पे कहीं से एक्सटर्नल कोई भी चीज़ लाकर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई लिमिटेशन नहीं, वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसमें आपके कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाती, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी लाके, कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन कहीं से डाउनलोड करके। तो इसमें इस मामले में वर्डप्रेस ज़्यादा सिक्योर नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आप कहीं से भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो आपके में वायरस आने का खतरा है, इसीलिए वर्डप्रेस ज़्यादा सिक्योर नहीं रह जाता। वो ब्लॉगर तो वैसे सिक्योर है क्योंकि वो गूगल का है। बात करें हम ट्रांसफ़र की तो इसमें ब्लॉगर जो है वो एक बहुत ही बेकार है क्योंकि इसमें जब आप अपने ब्लॉग को ट्रांसफ़र करेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे आप ब्लॉग चेंज करना जा रहे हैं तो आप पिछले ब्लॉग्स में जो भी आपके ब्लॉग पड़े थे वो आप अपनी नई वेबसाइट में या ब्लॉग में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता, उनकी SEO रैंक बहुत ही गिर जाती है, आपकी ब्लॉग रैंक ही नहीं करेगा, आप ये कभी मत करिएगा अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में। और वर्डप्रेस में आपको अच्छे से मिला था, वहाँ पे SEO भी आप फिर से लगा सकते हैं, SEO जब आप इसको एक्सपोर्ट करके अगली नई वेबसाइट में अपनी इम्पोर्ट करेंगे तो आप वहाँ पर फिर से SEO यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र के मामले में वर्डप्रेस आगे है। बात करें इन दोनों के अपडेट्स की तो इसमें ब्लॉगर तो कभी कभार कुछ साल, 4-5 साल पहले अपडेट आया था, तब से भी अपडेट ही नहीं आया, फिलहाल अब थोड़ा इम्प्रूव भी हो गया। जब ब्लॉगर शुरू हुआ था तो बहुत ही बेकार था ब्लॉगर, और वर्डप्रेस में तो डेली के डेली अपडेट आया करते हैं, वहाँ से आप प्लगइन्स के अपडेट आते, थीम के अपडेट आते हैं, डेली के डेली अपडेट आते हैं, ब्लॉगर में कभी अपडेट ही नहीं आते हैं, तो आप उसे यूज़ मत करिए। अगर आप बिगनर हैं तो उसे यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए, तो इस मामले में भी वर्डप्रेस आगे है। बात करें इन दोनों के SEO की तो आपको ब्लॉगर में SEO का ऑप्शन ही नहीं मिलता, कहीं देखने को ही नहीं मिलता, बस उसमें आपको टाइटल यूज़ कर लीजिए और एल्ट यूज़ कर लीजिए तो आपको उसमें बस इतने में आपकी पोस्ट रैंक करेगी, तभी आपकी पोस्ट कम रैंक करती ब्लॉगर में। और वर्डप्रेस में आपको टैग्स, कैटेगरी और SEO, अपने कीवर्ड्स, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, कोई भी ब्लॉग पोस्ट पे, इससे आपके वर्डप्रेस की ब्लॉग जो होती है ज़्यादा रैंक करती है, और जो ब्लॉगर की ब्लॉग पोस्ट होती है वो कम रैंक करती है। तो इस मामले में तो वर्डप्रेस आगे है, ब्लॉगर में इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है SEO ऐड करने का। बात करें इन दोनों के बजट की तो ब्लॉगर में आपको बजट नहीं अपना खर्च करना पड़ेगा, आपको कोई भी बजट की ज़रूरत नहीं। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर पे जाकर थोड़े दिन सीख सकते हैं, फिर आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हैं जब आपके पास बजट हो जाए।
ब्लॉगर में आपको कोई भी बजट की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपको होस्टिंग जो गूगल कंपनी होती है वो आपको खुद प्रोवाइड कराते हैं। वर्डप्रेस में आपको किसी दूसरी कंपनी A2 होस्टिंग, होस्टगेटर, होस्टिंगर से खरीदनी पड़ती है और वहाँ पे यूज़ करनी पड़ती, कनेक्ट करना पड़ता है वर्डप्रेस की साइट को, फिर आपको वहाँ पे ब्लॉग्स आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बजट ज़रूरी होता है वर्डप्रेस में, लेकिन वर्डप्रेस अच्छा होता है इस मामले में। जो आप बिगिनर हैं तो ब्लॉगर आपके लिए ठीक होगा, और जो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आपके लिए वर्डप्रेस अच्छा होगा। ओवरऑल बात करें वर्डप्रेस और ब्लॉगर में कौन सा अच्छा है, तो इसमें वर्डप्रेस अच्छा है ज़्यादा। वर्डप्रेस अगर जो आप एक्सपर्ट हैं, आपको ब्लॉगिंग करनी आती है, तो आप वर्डप्रेस एक आपके लिए एक सही ऑप्शन होगा। अगर जो आप सीखना ही चाहते हैं, एकदम ब्लॉगिंग आपको आती नहीं है, तो आप बेफालतू में अपना बजट मत खर्च करिए, वर्डप्रेस में ना जाकर आप ब्लॉगर चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप पहले ब्लॉगिंग सीखिए, फिर वर्डप्रेस पे आइए और फिर आप वहाँ पे ब्लॉगिंग कीजिए, तब आपका वर्डप्रेस साइट या ब्लॉग आपका रैंक हो जाएगा, तो आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। पहले आप ब्लॉगर पे सीखिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।